क्या प्रॉब्लम है इंडिया के साथ? मतलब पॉलिटिक्स में तो ठीक है, हम मानते हैं कि मसले हमारे चलते रहते हैं, क्रिकेट में भी अमित शाह, जय शाह नहीं आएगा इंडिया, क्यों नहीं आएगा? ऑनेस्टली हिंदुस्तान विल नॉट कम टू पाकिस्तान राइट नाउ, ये उनका हुकूमती फैसला है, ठीक है। इसमें अगर आप कहें कि जय शाह अगर वो ये चाहते हैं कि वो उनकी वजह से नहीं आ रही, ऐसा नहीं है, इट्स बियॉन्ड हिम। मेंबर्स जो कहेंगे वही करेगी आईसीसी, ठीक है, अपनी बात नहीं उस पे। तो आसिफ सोच सकते हैं मिलियन डॉलर क्वेश्चन, क्या हाइब्रिड होगा? मुझे लगता है, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है हाइब्रिड होगा, बिकॉज पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया था। अगर किसी ने हाइब्रिड मॉडल बनाने की कोशिश की तनवीर चैंपियंस ट्रॉफी में, कैसे बन सकता है? माना फिर आप कहते हो पाकिस्तान के लोग इसको ना माने, इंडिया में नहीं बना, नहीं हाइब्रिड जा भी नहीं, बीसीसीआई भी चाहता है कि यार पाकिस्तान के साथ मैचेस हो, पाकिस्तान इंडिया जा खेले तो राइट्स के जो टीवी राइट्स हैं वो आसमान से आगे फट के आगे निकल जाएं। बट यू नो अनफॉर्चुनेटली यू नो दैट द गवर्नमेंट्स आर नॉट विलिंग टू यू नो अभी नहीं बिकॉज उनके इलेक्शन भी आ रहे हैं मोदी साहब के, तो अभी मेरे ख्याल में अगर आप ये समझते हैं कि इस साल अगर हो जाए ये मुश्किल है। अक्सर मैं सुनता हूँ बोर्ड वाले खेल लीजिए, प्लेयर खेल लीजिए, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, हमारी बेइज्जती करते हैं लोग। बेइज्जती तो फिर वही करता है ना कि जब आप मौका देते हैं, आपको क्या लगता है हम लोग मौका दे रहे हैं इंडिया को बेइज्जती करने का? तो वो कर रहे हैं, फैक्ट है इंडिया रन्स द क्रिकेट ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, ठीक है। फंडिंग 95% से ज्यादा 90% से ज्यादा फंडिंग इंडिया से आती है, आईसीसी को बात माननी पड़ती है उनकी, जिनकी आई है, जिन्होंने भेजा है, जिनके हाथों में क्रिकेट है, उनसे कोई नहीं पूछेगा। आज आके इन लड़कों पे ब्लेम आ जाएगा, इनको बाहर कर देंगे, इन पे बैन लगा देंगे। पाकिस्तान ने एक्सेप्शनली बैट किया है या इंडिया ने एक्सेप्शनली गुड किया है, क्या हुआ है ज्यादा? सर वो टीम ही नंबर वन है, यस दलगाट ठीक करने, तो हम 97-98 में गए थे ना वहां पे, तो पॉलिटिकल जो आप डिप्लोमेसी करते हैं क्रिकेट से हमेशा हमने की है, सारी जिंदगी की है, 2008 तक भी होती रही है, हमेशा होती रहती है। हां की फ्रेंचाइजीज की औकात ही नहीं है, शाहरुख खान को बैन कर दिया था अगलों ने, मेगा स्टार बैन कर दिया अगलों ने कि नहीं आ सकता तू वेंकटन। यहां आपकी फ्रेंचाइजीज वाले बदमाशी करते हैं, इनके नाम पे नौकरियां मिलती हैं, पीसीबी वाले इनके मुलाजिम हैं, जर्नलिस्ट इनके मुलाजिम हैं, तो मुझे बताएं ये मुल्क है, ये मजाक है? चल होना वही है जो उनकी गवर्नमेंट ने फैसला करना है। वेरी अनफॉर्चुनेट कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रहा है, आईसीसी ने एक बिड प्रोसेस के बाद हमें दिया है और भारत सियासी बुनियाद पर आए, दैट विल बी वेरी अनफेयर विद पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया में खबर बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है कि बीसीसीआई के कहने पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल के तहत कराएगी, जिसको लेकर पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर शोएब अख्तर हैरान हो गया है कि बीसीसीआई के आगे हर कोई बोर्ड झुक जाता है तो आईसीसी किस खेत की मूली है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान वाले अभी से डर गए हैं कि बीसीसीआई हमारे साथ कुछ भी कर सकती है। लेकिन आपको बता दें कि ये आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी जिस तरह से चाहेगी उस तरह से करेगी। और रही बात भारत की, तो भारत कभी भी पाकिस्तान में जाकर कोई भी टूर्नामेंट नहीं खेलेगा। क्या प्रॉब्लम है इंडिया के साथ? मतलब पॉलिटिक्स में तो ठीक है, हम मानते हैं कि मसले हमारे चलते रहते हैं, क्रिकेट में भी अमित शाह, जय शाह नहीं आएगा इंडिया, क्यों नहीं आएगा? क्या पाकिस्तान नहीं जाने को तैयार? आप देखिए ये मसला क्या है, आप मुझे बताएं मसला क्या होता है इंडियंस को, बेसिकली क्यों पाकिस्तान की हद में नहीं आना चाहते? ऑनेस्टली हिंदुस्तान विल नॉट कम टू पाकिस्तान राइट नाउ, ये उनका हुकूमती फैसला है, ठीक है। इसमें अगर आप कहें कि जय शाह अगर वो ये चाहते हैं कि वो उनकी वजह से नहीं आ रही, ऐसा नहीं है, इट्स बियॉन्ड हिम। और जब तक इन दोनों मुल्कों के हालात ठीक नहीं होते तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई टूर हो। मेरी ये प्रेडिक्शन है करना चाहिए, क्रिकेट को पॉलिटिसाइज करना चाहिए। क्रिकेट पॉलिटिसाइज तो हो चुकी है, कब से हो रही है? अगर इंडिया से दलगाट ठीक करने, तो हम 97-98 में गए थे ना वहाँ पे, तो पॉलिटिकल जो आप डिप्लोमेसी करते हैं क्रिकेट से हमेशा हमने की है, सारी जिंदगी की है, 2008 तक होती रही है, हमेशा होती रहती है। क्रिकेट अब आप देखें, अब हमारी हुकूमत चाहती है तलुकात नॉर्मल करना, उन बीसीसीआई भी चाहता है कि यार पाकिस्तान के साथ मैचेस हो, पाकिस्तान इंडिया जा खेले तो राइट्स के जो टीवी राइट्स हैं वो आसमान से आगे फट के आगे निकल जाएं। बट यू नो अनफॉर्चुनेटली यू नो दैट द गवर्नमेंट्स आर नॉट विलिंग टू यू नो अभी नहीं बिकॉज उनके इलेक्शन भी आ रहे हैं मोदी साहब के, तो अभी मेरे ख्याल में अगर आप ये समझते हैं कि इस साल अगर हो जाए ये मुश्किल है। अगेन इंडिया, ये बात सच है, ये बात फैक्ट है, इंडिया रन्स द क्रिकेट ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, ठीक है। फंडिंग 95% से ज्यादा 90% से ज्यादा फंडिंग इंडिया से आती है, आईसीसी को बात माननी पड़ती है उनकी। हाइब्रिड मॉडल से आपके, पर लोग कहते हैं एशियन क्रिकेट कौन सा अलग मामला है, वहाँ पाकि दोनों एक दूसरे को प्रेशराइज कर सकते हैं बिकॉज इन दोनों की चलती है। बट ये आईसीसी है, आप ही आईसीसी इवेंट जो है वो उनके बारे में जानते हैं, उसके प्रोसेस को जानते हैं, वेरी प्रोफेशनल रोबस्ट किस्म का उनका प्रोसेस होता है, चाहे वो हमारी एक्रेडिशन हो या आप कह लीजिए उनके कमर्शियल मामला हो, वो एक साल पहले से तैयारी करते हैं, एवरीथिंग ऑन ट्रैक। जो मैं आईसीसी से कुछ पूछता रहता हूँ, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कोई चीज़ में लैकिंग नहीं है, बट इंडिया के आने का जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि अगर इंडिया नहीं आता तो क्या फिर आईसीसी क्या वो भी घुटने टेकेंगे जैसे एसीसी में हुआ था, या समझते हैं कि इस बार कुछ स्टैंड लिया जा सकता है? हाउ यू सी द
फ्यूचर का। अभी रिसेंटली क्या हुआ, वर्ल्ड कप का जो मुकाबला है पाकिस्तान इंडिया का या इंडिया के जो मुकाबले उनके टाइम में थोड़ी तब्दीली की गई, इसलिए फैसिलिटेट करें, ठीक है, आईसीसी ने फैसिलिटेट किया ना इंडिया को, बिल्कुल। तो आईसीसी का सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा सा, नहीं सॉफ्ट कॉर्नर तो इसको कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए मुझे नहीं पता, ये हर साल होता है। याद होगा जब दुबई में जब पाकिस्तान का फाइनल हमने हारे थे, इंग्लैंड सॉरी सेमीफाइनल हारे थे, तब भी यही था कि अगर भारत आता तो दुबई में होता, बिकॉज बड़ा मीडिया है, बड़े बड़े फैंस है, तो उनके पास अपना रीजन है एक, वो ये कहते हैं रीजन उनके पास ऐसा है जिसको आईसीसी भी तस्लीम करेगी करेगी, क्योंकि आईसीसी इज अ काउंसिल नॉट अ फेडरेशन, मेंबर्स बॉडी है, मेंबर्स जो कहेंगे वही करेगी आईसीसी, ठीक है, अपनी बात नहीं उस पे तो आसिफ सोच सकते मिलियन डॉलर क्वेश्चन, क्या हाइब्रिड होगा, मुझे लगता है, क्या लगता है आपको, मुझे लगता है हाइब्रिड होगा, बिकॉज पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया था अभी रिसेंटली, वो रिगार्डलेस के एशिया कप हो या जो, बट शुड बी पाकिस्तान स्टांस देन, हमें क्या अभी से स्टांस रखना है, होगा तो अभी ये कह रहे हैं कि होगा हम खेलेंगे, आप मौजूद थे और इमरान भी मुझे बताया था जब स्टेडियम में अचानक से मोहसिन नकवी साहब आए थे कि उन्होंने कहा ये आठ के आठ मुल्क आ रहे हैं, ये मैंने उनसे पूछा था उसके फौरन बाद, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और वो खामोश देखते, डोंट बेग देम टू प्ले क्रिकेट, उनकी आप बेगिंग नहीं करेंगे आप, इफ दे वांट टू प्ले विद अस वी वांट टू प्ले विद देम एज वेल, कोई भी अक्सर मैं सुनता हूं बोर्ड वाले खेल लीजिए प्लेयर खेल लीजिए ये होना चाहिए वो होना चाहिए, हमारी बेइज्जती करती हैं लोग, तो अगर वो न्यूट्रल वैल्यू में खेलते हैं, लेकिन मैं तो उनको ये इनकरेज करूंगा सबको कि भाई Either we play in India or you come and play in Pakistan. We're not going to choose a third venue. बेइज्जती तो फिर वही करता है ना कि जब आप मौका देते हैं, आपको क्या लगता है हम लोग मौका दे रहे हैं इंडिया को बेइज्जती करने का, तो वो कर रहे हैं ना, आपने मौका नहीं दिया इमरान खान साहब को, उन्होंने बेइज्जती नहीं की, जो दे रहे थे उनकी कर रहे थे, कर रहे थे बिल्कुल सीधी से, और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड से बात करता सारे गवाह मौजूद हैं, देखिए हमने उनको हमेशा मौका दिया, दे केप्ट ऑन इंसल्ट, दे बीन इंसल्टिंग अस फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम, कितने सालों से, कोई बोर्ड चेयरमैन जाता है उसको भगा देते हैं फलाकर, यहाँ तक कि उन्होंने जनरल ज़िया मरहूम को जिस सूट पर मैं विड्रॉ होता मना कर दिया कि अब हम प्रोटोकॉल नहीं दे सकते, प्रोटोकॉल का बहाना किया था, तो जनरल ज़िया साहब बड़े चालाक थे, उन्होंने कहा मैं प्राइवेट टूर पे आ जाता हूँ, अपनी सिक्योरिटी खुद लाऊंगा, फिर भी राजीव गांधी को शर्म आई, और ये बात फैक्ट है, ये ऑन द रिकॉर्ड है, ये भाई इतना बड़ा प्रेसिडेंट आएगा मैच देखने और होटल में ठहरेगा तो प्रोटोकॉल दें, तो हम अपनी बेइज्जती खुद ही कर रहे हैं। आपने कभी इंडिया के प्लेयर से सुना है कभी कहते हुए कि हम ये मैच होने चाहिए, अब रोहित शर्मा ने कहा है बहुत दिनों बाद, वरना तो उनको बोर्ड से मना है उनके प्लेयरों को ये कहना कि भाई पाकिस्तान का नाम भी लेना, तो क्या लगता है क्योंकि इंडिया बोर्ड हमसे, क्योंकि जिस दर में आप खेलते थे पाकिस्तान फार बेटर टीम थी इंडिया से और बहुत आगे की टीम थी, कहाँ पे हम उनसे पीछे हुए, क्या ये आईपीएल की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट पीछे हुई है? नहीं, मैं नहीं समझता, हम अगर पीछे हुए हैं तो देखें हमारे जैसे वी डोंट डू जस्टिस विद आवर प्लेयर्स, हम उनके साथ इंसाफ नहीं करते और सिलेक्शन जब करते हैं तो उसमें मेरिट नहीं देखते। फॉर्चुनेट कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रहा है, आईसीसी ने एक बिड प्रोसेस के बाद हमें दिया है और भारत सियासी बुनियाद पर आए, दैट विल बी वेरी अनफेयर विद पाकिस्तान, इट विल बी एन अनफेयर मूव, लेकिन एक मूव की मैं तारीफ करूंगा कि विराट कोहली हो या रोहित शर्मा हो, विराट का दो साल पुराना बयान है, उन्होंने अपने दिल की बात कर दी, उनको किसी का डर नहीं है कि वो उनका क्रिकेट बोर्ड उनको शो कॉज ना दे दे, ये मसले नहीं है इंडिया में क्रिकेटर्स के साथ, बल्कि दुनिया में ये मसले आपको नजर नहीं आते। मुझे ये भी याद है कि इंग्लैंड की टीम एक टेस्ट मैच खेल रही थी और उसमें स्टुअर्ट ब्रॉड को ड्रॉप किया था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया और उसने तनकीद की, जी, अगले टेस्ट में वो आया और उसने 5 आउट किए, बिल्कुल। तो ये जो गैग होता है ना, जो आप जो गला घोंट देते हैं प्लेयर्स का, ये चीज है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सीखनी चाहिए दूसरे क्रिकेट बोर्ड से, इंग्लिश एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करें, देने दें उसको, और क्या देने दीजिए, ठीक है, एक्सप्रेशन देने दीजिए, वेरी फैंटास्टिक स्टेटमेंट जो आप देख रहे हैं, रोहित शर्मा मौजूद है, ये तो बहुत अच्छे तरीके से बात की, रिस्पेक्ट आप गेन करते हैं, रिस्पेक्ट अर्न करते हैं, मुझे लगता है कि रोहित शर्मा ने ये रिस्पेक्ट आज अर्न कर ली है, जब आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं पाकिस्तानी फैंस को, देखिए और अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, स्टेटमेंट कहीं पढ़ा है, जी जी, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान is the one of the safest countries, वो उसे कहीं मैंने सुना, किससे सुन चुके हैं, अगर आप पुराने देखें सौरभ गंगुली, इंजमाम जब गए तो इंजमाम ने बताया सौरभ गंगुली घर से मेरे लिए खाना आता था, उन्होंने कहा आप कहीं से खाना नहीं खाएंगे। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर रोना रो रही है कि आखिरकार बीसीसीआई भारतीय टीम को पाकिस्तान में क्यों नहीं भेजेगी, जिसको लेकर अब ये खबर बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है कि आईसीसी ने मतलब बीसीसीआई से कह दिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी के तहत भारत का जितना भी मुकाबला होगा वो हाइब्रिड मॉडल के तहत किसी अदर वेन्यू पर खेला जाएगा, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो गई है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि आईसीसी की तरफ से होस्टिंग राइट का पूरा मौका हम पाकिस्तानियों को मिला हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि बीसीसीआई के कहने पर ऐसा आईसीसी नहीं किया है, क्योंकि बीसीसीआई अपनी टीम पाकिस्तान भेजेगी नहीं, इसलिए आईसीसी को मजबूरन भारत का मुकाबला अदर वेन्यू पर शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि इन पाकिस्तानियों को पता है कि अगर भारत आईसीसी टूर्नामेंट में नहीं शामिल होता है तो उस आईसीसी टूर्नामेंट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इसलिए बीसीसीआई ने फैसला किया और आईसीसी ने फैसला पाकिस्तान को दिखाया, जिसको लेकर अब पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी बातें कर रहे हैं कि बीसीसीआई के कहने पर आईसीसी कुछ भी कर सकती है और हम पाकिस्तानियों के लिए कितनी शर्म की बात है कि एक आईसीसी टूर्नामेंट जो हमें होस्टिंग राइट मिली हुई है उसको भी सही ढंग से कंडक्ट नहीं करा पाएंगे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों की कितनी औकात है, और ये बातें करते हैं कि हम बीसीसीआई से सबसे ज्यादा स्ट्रांग बोर्ड है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते
सकते हैं कि बीसीसीआई के आगे आईसीसी भी झुक जाती है तो ये पाकिस्तान कैसी मतलब कितनी छोटी बोर्ड है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से मतलब इस क्रिकेट में चल रही है पूरी तरीके से पाकिस्तान वाले मतलब भारत के ऊपर ब्लेम लगाते हैं कि ये सब भारत की वजह से होता है। अभी शोएब अख्तर का एक बयान आया है उसमें बताया गया है कि मतलब ये बीसीसीआई जो है दुनिया का सबसे स्ट्रांग बॉडी है वो आईसीसी को गवर्न करती है तो आईसीसी बीसीसीआई की बात मानेगा और उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा। खैर इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।